बिहार में जैसे जैसे चुनावी माहौल बन रहा है, जातीय गोलबंदी तेज होती जा रही हो भी क्यों ना। बिहार में चुनाव लड़ने वाली दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस को अगर छोड़ भी दें थोड़ी देर के लिए, तो सभी पार्टियों की अपनी एक जाति की राजनीति है। बिहार में सत्ता का रास्ता जाति की चौखट से होकर ही जाता है। अगर कुर्सी चाहिए तो जाति का समीकरण बैठाना आना ही चाहिए। बिहार में लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल हो या नीतीश की जनता दल यूनाइटेड या फिर रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, ये सभी पार्टियां जाति की राजनीति पर ही अपनी जगह बनाए हुए। अब इसी वर्तमान जाति समीकरण पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव का हाव भाव देखने के बाद राजनीतिक जानकारों से लेकर आम आदमी तक अब हर कोई यही कयास लगा रहा है, क्या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा हावी रहेगा या जातिवाद का मुद्दा फिर से अपनी जगह बनाएगा। क्या दिल्ली चुनाव के बाद 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी विकास अपनी जगह बना पाएगा या बिहार में इस बार भी ट्रेडिशनल तरीके से ही यानी जात पात के आधार पर ही मतदान होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों की तैयारी अभी भी परंपरागत ही है। बिहार विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियां समाज के वर्गों को अपनी तरफ लुभाने और लामबंद करने में जुटी हैं। विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे तेजस्वी यादव जहां अपने पिता लालू यादव के परंपरागत वोट बैंक माई यानी MY यानी मुस्लिम यादव के अलावा नीतीश कुमार के परंपरागत वोट बैंक अति पिछड़ी जातियों में सेंधमारी कर नए सामाजिक समीकरण गढ़ने की फिराक में लगे। वहीं नीतीश कुमार RJD के माई समीकरण में सेंधमारी की कोशिशों में जुटे। तेजस्वी ने नए CSE समीकरण को साधते हुए भाजपा के भी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। तेजस्वी की कोशिश है कि वह माई के अलावा एक नया वोट बैंक भी तैयार करे और उसे अपने पाले में करे। इसी कोशिश में पहली बार RJD ने कुल 144 सीटों में से 24 सीटों पर अति पिछड़ी जाति और 12 सीटों पर उच्च जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पिछले चुनावों में RJD ने अति पिछड़ी को 4 और उच्च जाति के 2 उम्मीदवारों को ही टिकट दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार निशाना कहां पर। RJD ने 30 महिलाओं को भी टिकट दिया है। इसके अलावा RJD ने अपने परंपरागत वोट बैंक के 2 वर्गों यादवों और मुस्लिमों को क्रमशः 58 और 17 टिकट दिए। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस बार जातियों का बैलेंस गढ़ने की एक नई कोशिश की। उधर नीतीश कुमार की पार्टी JDU के लिए 2005 और 2010 के चुनावों में अति पिछड़ी जाति और महादलित परंपरागत वोट बैंक रहे हैं। पार्टी ने इस बार 19 अति पिछड़ी, 15 कुशवाहा और 12 कुर्मी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। नीतीश कुमार ने 17 अनुसूचित जाति के लोगों को भी चुनावी टिकट दिया है। इसके अलावा JDU ने 11 मुस्लिमों और 18 यादवों को टिकट देकर माई समीकरण में घुसपैठ करने की भी कोशिश की है। यानी नीतीश कुमार भी लालू के परंपरागत गढ़ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में 26% OBC और 26% अति पिछड़े वर्ग का वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है। ओबीसी में बड़ा हिस्सा यादवों का है जो करीब 14%। यादवों को RJD यानी लालू की पार्टी का परंपरागत वोट बैंक समझा जाता है। इसके अलावा ओबीसी में 8% कुशवाहा और 4% कुर्मी वोट बैंक। इन दोनों पर नीतीश कुमार का प्रभाव। वैसे उपेंद्र कुशवाहा भी 8% कुशवाहा समाज पर प्रभाव का दावा करते हैं, हालांकि उनकी जीत के प्रतिशत से अभी इसकी पुष्टि नहीं होती है। इनके अलावा 16% वोट बैंक मुस्लिमों का है, एक बड़ा वोट बैंक है ये। मौजूदा सियासी समीकरण में इस वोट बैंक पर राजद का प्रभाव दिखता है, लेकिन JDU भी उसे अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी। पहले भी माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव के समीकरण का बड़ा हिस्सा नीतीश को समर्थन दे चुका है। इस बार देखना होगा कि क्या होगा। बिहार में अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं का हिस्सा 26% के करीब है। इसमें लोहार, कहार, सुनार, कुम्हार, ततवा, बढ़ई, केवट, मल्लाह, धानुक, माली और नोनी जैसी जातियां आती हैं। पिछले चुनावों में ये अलग अलग दलों को वोट करते रहे, लेकिन 2005 के बाद से इनका बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ रहा। अब तेजस्वी की निगाह इस पर है और वो इसे तोड़ने की कोशिश में जुटे। 2014 और 2019 के चुनावों में इस समूह का झुकाव BJP की तरफ हुआ था। यह भी एक बड़ा रोचक समीकरण बन सकता है। राज्य में दलितों का वोट परसेंट 16% के करीब, इनमें 5% के करीब पासवान हैं, बाकी महादलित जातियां आती हैं।
जिनका करीब 11% वोट बैंक। पासवान को छोड़कर अधिकांश महादलित जातियों का झुकाव भी 2010 के बाद से जेडीयू की तरफ रहा है। तेजस्वी की निगाह इस पर भी है, वो इस तिलिस्म को भी तोड़ना चाहते हैं। पासवान का झुकाव लोजपा की तरफ शुरू से ही रहा, यानी रामविलास पासवान की तरफ ये पासवान वोट अक्सर जाता रहा। राज्य में 15% वोट बैंक उच्च जातियों यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थों का है। भाजपा और कांग्रेस का फोकस सवर्णों पर रहा है, लेकिन पहली बार राष्ट्रीय जनता दल ने इसमें भी सेंधमारी की कोशिश की है और दर्जन भर टिकट उच्च जाति के उम्मीदवारों को दिए। जेडीयू ने भी 10 भूमिहार, 7 राजपूत और 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया। इससे लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई। उधर भाजपा भी ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और यादवों को अधिक टिकट देकर रिझाने की कोशिशों में जुटी। कुल मिलाकर सभी दल एक दूसरे के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी कर रहे हैं। ऐसे में जो दल मतदाताओं को लामबंद कर पाने में सफल रहेगा, जीत अंततः उसी की होगी। 10 नवंबर को जीत की माला वही पहनेगी।